तो आज हम फिर से आ गए हैं माइनक्राफ्ट के अंदर। तो आज हम माइनक्राफ्ट के अंदर आपके ब्रेन को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने वाले हैं। तो माइनक्राफ्ट के सबसे ज़्यादा बोरिंग काम क्या होते हैं पहले ये बताओ। माइनिंग करना, उससे भी ज़्यादा बोरिंग किसी और चीज़ को कनेक्ट करना, और उससे भी ज़्यादा बोरिंग क्या होता है, हमारे क्रीपर जो दद्दा फटते हैं ना उसके होल फिल करना। इसलिए मैंने माइनक्राफ्ट के अंदर एक ऐसा मोड लगा दिया है जिसको भाई वो सारे के सारे होल अपने आप ही फिल कर देगा। देखो देखो, हमारे पास बहुत सारी होल फिलर की नाम की बॉल्स हैं, और अगर मैं इसको यहाँ पर फेंकूँगा तो ये देखो भाई पूरी पूरी केव है, इसने मतलब जितना भी ये एरिया था सारा का सारा फुल कर दिया है। हाँ, बट इसको आप केव के अंदर ही फेंकने की ट्राई करना, वरना अगर आप इसको एक एक करके फेंकोगे देखो ये एक एक ब्लॉक ही प्लेस होगा। ये बहुत मस्त हो रहा है। और इसके बाद हमारे पास आती है हमारी एक स्मार्ट फिलर, स्मार्ट होल फिलर, जो कि भाई सबसे ज़्यादा मस्त है। सबसे पहले ये देखो, अगर मैं इसको यहाँ पर इस घर के अंदर फेंकूँगा, देखो इसने आसपास के बहुत सारे सारे ब्लॉक कलेक्ट कर लिए थे जो कि इसके आसपास है, वो सारे सारे ब्लॉक प्लेस कर देता है ये देखो। और अगर मैं बाहर जाकर चेक करूँ तो ये देखो बस सारे सारे ब्लॉक प्लेस कर दिए। हाँ, बट अब इसको गलती से भी मत तोड़ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है, आपको वाटर क्लच करना सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, तो ये है आपके लिए, ये है वाटर फिलर। ये आपको एंड्राइव की जैसे फेंकना पड़ेगा, और ये अगर आप इसको यहाँ पर फेंकोगे तो ये वाटर बन जाएगा, बट ये थोड़ा सा ख़तरनाक है। बट कभी कभी ये वाटर भी बन जाता है, पता नहीं कैसे कभी कभी बन जाता है, बट ये क्लच काम में भी काम आ सकता है। इस मैंने सुना है कि इस विलेज के अंदर पानी की थोड़ी सी कमी है, इस पानी की कमी को पूरा पूरा फुल कर देना। वैसे भी गर्मी बहुत है, इनको पानी से ही क्या बर्फ़ से भी नहला देते हैं। आज के बाद ये मेरे को कंप्लेंट नहीं करेंगे कि मेरे पास पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी का पूरा पूरी बाहर ला देंगे इस विलेज के अंदर। कहीं पर भी ऐसा इलाका नहीं छोड़ना जहाँ पर पानी ना हो। इन वीट के पास थोड़े कम पानी है, हम इसके आसपास तो आइस लगा देंगे। भाई ये कितना सेटिस्फाई लग रहा है, पर क्या होगा भाई, एक मिनट का भाई पूरा पूरा आइस का मैंने पहाड़ ही खड़ा कर दिया। देखो सारा सारा विलेज पानी से भर दिया, जितना दौड़ से सबको फेंक डालो यार, पानी तो हमने बहुत बना डाला। इनको इतना पानी हजम नहीं होगा ना, इसलिए इनके लिए लाए हैं हम लावा वाला जी फूल विलर। अगर हम इसको डालेंगे तो ये आपको पता ही चल रहा है कि इससे क्या होगा। अगर ये इसके घर के ऊपर मैं फेंकूँगा तो इसके घर के ऊपर लावा आ जाएगा और इसके घर को पूरा पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। भाई इतना सा भाई हक तो बनता है भाई, इनको इतना पानी दिया, थोड़ी सी आग देनी भी बनती है क्या यार, इतना सा हमारे पास हक है। और अगर इनको अभी ये काम क्यों नहीं कर रहा है, इसको फिर से फेंको। और अगर मैं इसको हाँ यहाँ पर फेंक सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पर फेंकूँगा कुछ भी नहीं होगा। अबे चूना लगा दिया भाई यहाँ पर फेंकने, क्या कर रहे हैं अबे कोई भी नहीं। ये क्या, मुझे लगा कि ये सिर्फ एक लावा ही प्लेस कर रहा है, बट इसने तो ये भी प्लेस कर दिए भाई, ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। ये भाई बहुत मस्त है भाई। तो ये हमारा नेक्स्ट चेयर बाद में देखते हैं। बट ये देखो अभी ये लावा कैसे बन गया भाई, नहीं ये नेदरराइट के ब्लॉक पर ये लावा कैसे बन सकते हैं, नेदर के ब्लॉक भाई इतना लावा भाई पूरा पूरा विलेज जल जाएगा। सिर्फ पानी से बचाव होते हैं सबसे पहले भाई। ये आवाज़ कितनी सेटिस्फाई लग रही है दिमाग के लिए भाई, देखो भाई सेटिस्फाई कर दिया मैंने तो उस विलेज का विलेजर का पूरा पूरा घर ही जला डाला था यहाँ पर लगा सबसे पहले पूरा पूरा घर। मेरा वो इरादा नहीं था, मेरा सिर्फ दिखाने का इरादा था, मैं तो इसका पूरा पूरा घर डिस्ट्रॉय कर दिया। मेरे को इसका घर भी इससे बनाना पड़ेगा, इतने ब्लॉक अब बनाने की क्या ज़रूरत है, ना ही बचा घर। घर का तो भाई नामो निशान पूरी तरह से गायब ही हो चुका है। अब मैं तो उससे भाई कह दूंगा कि भाई यहाँ पर तो घर था ही नहीं। देखा बिग ब्रेन। तो बढ़ते हैं आप नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट वाला भाई, इस मेरे पास बहुत ज़्यादा मस्त आइडिया है। सबसे पहले आप डायमंड से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो देखना ये बहुत ज़्यादा मस्त होने वाला है। और ये हमारा बन चुका है। अगर मैं इसके अंदर ये फेंकूँगा हमारा स्मार्ट होल फिलर, तो ये देखो भाई एक का डबल एक साथ। आप लोग कहने लग रहा हो कि ये यार ये तो सिर्फ डुप्लीकेट होगा, ये ओरिजिनल नहीं होगा। बट अगर मैं सर्वाइवल में जाकर ये हो ही नहीं, अगर मैं अपनी पिकैक्स को उठाऊंगा और इसको माइन करूंगा
ये देखो एक मिनट, इसको हम कहते हैं माइन, ये तो भाई असली था। ये देखो मैंने इस इनका सबको डुप्लीकेट किया था। ये देखो ये सारे के सारे असली डायमंड के ब्लॉक है भाई। एक का डबल कर दिया हमने, एक का डबल भाई कुछ ही सेकंड के अंदर। भाई इसके लिए स्मार्ट को लगाना तो बनता है। ये तो भाई असली आ गए, अगर मैं इनको लगाऊंगा तो ये को भाई सारे के सारे जितने भी असली नकली भाई सारे कुछ ओरिजिनल है ये। अगर मैं इनको भाई करूँगा वही को, ये पूरे एक पूरे डायमंड है भाई। एक सेकंड के अंदर हम माला माल हो चुके हैं। ये देखो अगर आपको ये भी डायमंड चाहिए तो ये लाइक कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ ये है, अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो ये डायमंड सारे के सारे आपके वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट हो जाएंगे उसी टाइम। इसलिए क्या कर रहे हो, जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब करो। हाँ हो क्या लाइक और सब्सक्राइब। तो ये देखो ये वो आपके लिए रखूँ, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रखूँ। नेक्स्ट के लिए हमको चाहिए भाई रात, रात नहीं चाहिए, रात हो गई है। ये है हमारा लाइट वाला। ये भाई यहाँ पर कोई भी टॉर्च नहीं, बट अगर मैंने इसको फेंकता हूँ तो वहाँ पर लाइट आ जाती है। मैं कैलकुलेट कर रहा है, थोड़ा सा डिले होता था बट ये जल्दी लाइट से भर देता है, भर रहा है, धीरे धीरे भरेगा। ये थोड़ा सा स्लो है, इसके पास बंटी का साबुन है ना तभी ये बहुत ज़्यादा स्लो है। देखो इतने सारे भाई एक तो काम कर। इतने फेंक, हाँ ये देखो भाई अभी यहाँ पर कुछ भी लाइट नहीं थी बट इनको फेंकने के बाद यहाँ पर लाइट आ चुकी है भाई। म्याऊ ये बिल्ली कौन है पीछे, क्रीपर के पास चली जा, वो तेरे को याद कर रहा है। भाई अगर लाइट आ चुकी है तो लाइट के एक ऑपोजिट दुश्मन भी है जो कि है अंधेरा, तो इसलिए हमारे पास एक है डार्क होल फिलर, तो हम इसको भी फेंकते हैं। देखो भाई पूरी पूरी लाइट ही इसने गायब कर दी, पहले ही इतना अंधेरा है और इसको फेंकने के बाद और अंधेरा हो रहा है। देखो अंधेरा अंधेरा कायम रहे। हाँ यहाँ पर फेंको, अब ये कभी कभी पता नहीं ये लैग करता है कभी कभी काम। देखो पूरा अंधेरा बहुत ज़्यादा काम करता है बट लाइट वाला जल्दी काम नहीं करता, पता नहीं क्यों उसको इतनी ज़्यादा चुनौती मची रहती है। यार ये डायमंड वाला भाई सबसे मस्त है, एक बार इसको फिर करना। गलत से डायमंड आइस फेंक दिया, हम इस बार डायमंड फेंकेंगे भाई, एक का डबल करते ही रहेंगे भाई। ये तो सबसे मस्त है भाई, इस पूरे पूरे ब्रेन को सेटिस्फाई कर देता है ये तो। गलती से फिर से तोड़ दिया, इसको फेंकते हैं और डायमंड एक का डबल, एक का डबल। ये हो गया ना एक का डबल, इससे मैं माइनक्राफ्ट का सबसे रिच पर्सन बन जाऊंगा, वो भी कुछ ही टाइम के अंदर, कोई मुझसे पंगा ही नहीं लेगा। और ये बट क्या फायदा यार, नल्ले विले तो फिर भी यार रिस्पेक्ट नहीं करते। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब।